काली देवी की, दुर्गा मैया की।
सरस्वती मैया की, आज के आनंद की, व्यास भगवान की, सुखदेव भगवान की, छोटे छोटे लली ललन की। आज महारानी सुनीति अपने पति के पास बैठ करके रोने लगी और कहने लगी है, प्राणनाथ मेरे कोई बेटा नहीं है और बगैर बेटा के सम्मान नहीं है। तो महाराज उत्तानपाद कहते हैं कि हे प्रिय सुत देना, दे करके छीन लेना, ये परमपिता परमात्मा की इच्छा होती है। राजा कहने लगा, भद्रे सर्व सुख भगवान ने किसी को नहीं प्रदान किए, संसार में सर्व सुख किसी को नहीं है। कोई संतान से दुखी है तो कोई संतान के लिए दुखी है, कोई सम्मान से दुखी है तो कोई अपमान से दुखी है, कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई परेशानी हर आदमी को घेरे पड़ी है। आज के संसार में और कोई न सुखी है, इंसान का जीवन निकल जाता है, घर में एक कथा नहीं करवा पाता है। वो आप लोग हर साल श्रीमद् भागवत की कथा इस मंदिर पर करवाते हो, बड़े सौभाग्य की बात है। जब इंसान के पूर्व जन्म के पुण्य उदय होते हैं, तब हम और आपको भागवत की कथा सुनने का, करवाने का, कहने का मौका प्राप्त होता है। श्री हरण गंगा के किनारे बैठे हुए श्री सुखदेव जी के द्वारा उत्तरानंदन महाराज परीक्षित लाल श्रीमद् भागवत की कथा को सुन रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान की भक्ति में पढ़कर के जो भक्त आनंद लेना चाहते हैं, उन भक्तों के सामने मुसीबतें बहुत आती हैं। कलयुग में भगवान का नाम ही प्राणी को भव से पार कर देता है, लेकिन हे कलयुग महाराज, सोच सोच के जय हार गए। कहा लला कि अब तो दिन दिन बढ़ी रहे पाप और जाने कहां होई कलयुग में, पुण्य धर्म कोई जाने ना पुरो
सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान के भक्तों पर हमेशा मुसीबतें आती हैं और मुसीबतों को पार करते हुए भगवान के भक्त अपना धर्म नहीं छोड़ते हैं। अंत में उन भक्तों को भगवान की गोदी बैठने के लिए मिलती है। अयोध्या के बीच में महाराज उत्तानपाद राजा हुए हैं, जिनकी पत्नी का नाम था सुनीति, जो बहुत ही पतिव्रता थी। पतिव्रता अपने पति की हमेशा सेवा करती थी महारानी सुनीति, लेकिन दुर्भाग्य इतना था, महारानी सुनीति के गर्भ से किसी बेटा और बेटी ने जन्म नहीं लिया। तो एक दिन महारानी सुनीति अपने पति के पास बैठ गई और रो करके बोली है, नाथ मेरे कोई बेटा नहीं है। और क्या बोली है महारानी सुनीति, संतान सैया हुई रही है जब बदनामी, पति और पत्नी को
आंखों से आंसू आ गए। और लेटे क्यों है? रामपुर बाजार सतीश शास्त्री भागवत, इतना डालोगे तुरंत आपको देखने के लिए मिलेगी। शैलेंद्र घर पे भी देख लेना, और अब से का आपके पास तो भेजा ही देते हैं हम। तो ये जो YouTube चैनल चल रहा है, ये भागवत आपको देखने के लिए कल से YouTube चैनल पर मिलेगी। बोलिए आनंद कंद भगवान की। साथ साथ एक बात और मैं बताना चाहूंगा, जितने यहाँ पर हमारे नौजवान भाई लोग बैठे हैं, सब लोगों के हाथों में मोबाइल जरूर होगा, तो अपना अपना मोबाइल निकाल लो, हम जो बताएं वो बोल दो, बगैर बुलाएं, बगैर लिखें, आपके पास सुबह होते ही आ जाएगी क्लिप। हाँ आएगी क्या? हमने समझी क्या आएगी? दूसरा कर लो, जो विवाह का नाम सुना तो महाराज को यह मालूम पड़ा कि धोखे से जलते हुए अंगारे पे पैर पड़ गया हो। राजा कहने लगा, दिमाग तो नहीं खराब हो गया, पागल हो गई हो क्या? जानती हो घर में सौत आने से घर का सत्यानाश हो जाता है। रानी कहने लगी, महाराज ये राम खिलावन प्रधान राजपूत देवरा मऊ से आए हुए हैं, इनके करकमलों के द्वारा 51 रुपए भेंट होते हैं, 51 रुपए प्रधान जी की तरफ से 51 रुपए भेंट हुए हैं। भगवान का खजाना हमेशा भरा हुआ रहे, वो हमेशा धर्म के नाम पर इनके हाथ आगे के लिए बढ़ते रहे। मेरे प्यारे बंधुओं,